ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਠੰਡ ਵਧਣ ਲੱਗੀ ਹੈ। ਰਾਤ ਦੇ ਤਾਪਮਾਨ 'ਚ 1.8 ਡਿਗਰੀ ਸੈਲਸੀਅਸ ਦੀ ਗਿਰਾਵਟ ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਆਦਮਪੁਰ 12 ਡਿਗਰੀ ਸੈਲਸੀਅਸ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਠੰਡਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਖੁਸ਼ਕ ਮੌਸਮ ਕਾਰਨ ਦਿਨ ਦਾ ਤਾਪਮਾਨ 1.5 ਡਿਗਰੀ ਸੈਲਸੀਅਸ ਵੱਧ ਗਿਆ ਹੈ, ਪਰ ਅਜੇ ਵੀ ਇਹ ਆਮ ਨਾਲੋਂ 4.3 ਡਿਗਰੀ ਸੈਲਸੀਅਸ ਘੱਟ ਹੈ। मौसम विभाग ने अगले 6 दिनों तक पंजाब में मौसम खुश्क रहने की भविष्यवाणी की है। विभाग अनुसार जेकर इस समय दौरान वध तो वध तापमान में कोई बड़ी तब्दीली ना आई तो रात के तापमान में होर गिरावट आने की संभावना है। बुधवार को पंजाब के प्रमुख शहर अमृतसर का वध तो वध तापमान 27.1, लुधियाना का 28.2, पटियाला 30.3, पठानकोट 29.8, बठिंडा 26.6, मोगा 26.9 अते रोपड़ का 26.9 डिग्री सैलसीयस तापमान रिकॉर्ड किया गया। सूबे में सब तो वध तापमान गुरदासपुर 32.5 डिग्री सैलसीयस दर्ज किया गया। ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਠੰਡ ਵਧਣ ਲੱਗੀ ਹੈ। ਰਾਤ ਦੇ ਤਾਪਮਾਨ 'ਚ 1.8 ਡਿਗਰੀ ਸੈਲਸੀਅਸ ਦੀ ਗਿਰਾਵਟ ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਆਦਮਪੁਰ 12 ਡਿਗਰੀ ਸੈਲਸੀਅਸ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਠੰਡਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਖੁਸ਼ਕ ਮੌਸਮ ਕਾਰਨ ਦਿਨ ਦਾ ਤਾਪਮਾਨ 1.5 ਡਿਗਰੀ ਸੈਲਸੀਅਸ ਵੱਧ ਗਿਆ ਹੈ, ਪਰ ਅਜੇ ਵੀ ਇਹ ਆਮ ਨਾਲੋਂ 4.3 ਡਿਗਰੀ ਸੈਲਸੀਅਸ ਘੱਟ ਹੈ। मौसम विभाग ने अगले 6 दिनों तक पंजाब में मौसम खुश्क रहने की भविष्यवाणी की है। विभाग अनुसार जेकर इस समय दौरान वध तो वध तापमान में कोई बड़ी तब्दीली ना आई तो रात के तापमान में होर गिरावट आने की संभावना है। बुधवार को पंजाब के प्रमुख शहर अमृतसर का वध तो वध तापमान 27.1, लुधियाना का 28.2, पटियाला 30.3, पठानकोट 29.8, बठिंडा 26.6, मोगा 26.9 अते रोपड़ का 26.9 डिग्री सैलसीयस तापमान रिकॉर्ड किया गया। सूबे में सब तो वध तापमान गुरदासपुर 32.5 डिग्री सैलसीयस दर्ज किया गया।